नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के पांचवें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। उसके कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, उसका नाम कहां से आया उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट में यूज किया गया था उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पिनाका नाम के बारे में, तो पिनाक ओरिजिनली शिवजी का जो धनुष है उसका नाम है। उसका उल्लेख रामायण में भी किया गया था, जब सीता माता का स्वयंवर किया जा रहा था उस समय इस पिनाका धनुष की डोर बांधने की चैलेंज दी गई थी, जिसमें प्रभु श्री राम ने ना ही सिर्फ इसकी स्ट्रिंग बांधी थी फ्रॉम एंड टू एंड, बट ऑल्सो उन्होंने उसको गलती से तोड़ भी दिया। तो उसी के नाम ऊपर से इस पर्टिकुलर वेपन का नाम भी दिया गया है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यानी कि पिनाका MBLRS। अब ये पिनाका एक फ्री फायर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसको ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया था। ये जो ARDE है वो बेसिकली DRDO के अंडर में आता है। कई सालों से 1980s के दशक से इसके ऊपर वर्क चल रहा था, जिसके लिए GSQR एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये GSQR का फुल फॉर्म जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, जिसको 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी थी कि इंडिया को एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह से देश की सीमाओं पर देश के दुश्मनों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं बार बार लगातार, तो उसी के चलते इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और 1994 से इसको ऑपरेशन में लाने की बात चल रही थी। इसके पश्चात इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ, इसके ऊपर वर्क हुआ और अल्टीमेटली इसको सबसे पहली बार जो एक्शन में, बैटलफील्ड एक्शन में देखा गया था वो था 1999 में कारगिल वॉर के दौरान, जिस समय इस रॉकेट सिस्टम ने, पिनाका रॉकेट सिस्टम ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन लोगों के माउंटेन्स के ऊपर जो भी बंकर्स थे उनको ध्वस्त करने के लिए और एनिमी ट्रूप्स को नेस्तनाबूद करने के लिए इसको उपयोग में लिया गया। तो इसी तरह से पिनाका MBRS का जो इतिहास है वो दशकों पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर वर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था और जिस तरह से इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था उस तरह से शुरुआत में नहीं किया गया। लेकिन बाद में इसके अलग अलग वर्जन्स आए, जिसमें Mark 1 और Mark 2 वर्जन्स थे। उसके ऊपर हम वीडियो के बाद में चर्चा करेंगे जब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उस समय वापस आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने से पहले भारत इसी प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम एक रशियन था, जिसको MB-21 ग्रेड कहते हैं, उसको यूज में ले रहा था। लेकिन फिर से एक बार ये दूसरी कंट्री में बनाया गया था, तो अल्टीमेटली इसका जो कॉस्ट है, इम्पोर्ट कॉस्ट है, और साथ ही में जो स्टाफ ट्रेनिंग और वो सभी चीजें हैं, उन सभी का जो कॉस्ट है वो काफी हाई जा रहा था। तो उसी के सामने ये इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप जो प्रोडक्ट है वो काफी इफेक्टिव भी निकला और साथ ही में काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी निकला। अब ARDE के अलावा टाटा डिफेंस, L&T और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, जो कि भारत की संस्था है, उन लोगों को साथ में मिलाकर ये पूरा प्रोडक्शन लाइन तैयार किया गया। और 2014 से ये बताया जा रहा है कि हर साल 6000 रॉकेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं सिर्फ पिनाका MBRS सिस्टम के लिए। तो इसी के चलते ना ही सिर्फ हमारी सीमाओं को सेव किया जा रहा है, बल्कि ये जो बल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो आउट ऑफ इंडिया सेल करने के लिए काफी ही यूज में लिया जा रहा है। तो इसी के चलते पिनाका दिन ब दिन फेमस भी होते जा रहा है। अब बात करते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो एक जो पिनाका कैरियर होता है, जो कि ओरिजिनली टेट्रा ट्रक्स को मॉडिफाई करके बनाया गया, जो कि चेक रिपब्लिक में मैन्युफैक्चर होती हैं, उनके ऊपर 2 पॉड्स लगाए जाते हैं और हर एक पॉड में 6-6 मिसाइल्स लोड की गई होती हैं। तो इसी के चलते एक इंडिविजुअल सिस्टम जो टेट्रा ट्रक है, जो इसको कैरी कर रहा है, वो अपने साथ 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट्स लेकर चलता है और ये सभी इन साल्वो फायर करने के लिए कैपेबल हैं। अब ये इन साल्वो का जो मीनिंग है वो बेसिकली ये होता है कि एक साथ मल्टीपल रॉकेट्स सिंगल सिस्टम में से भी फायर किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से इसको सिर्फ इंडिविजुअली फायर करने के लिए ही नहीं, बल्कि मल्टीपल रॉकेट सिंगल टाइम में फायर करने के लिए भी एफिशिएंट बनाया गया है। और ये जो 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट्स हैं वो 1 मिनट से भी कम के टाइम में
यानी कि सिर्फ 48 सेकंड्स के अंदर सभी 12 रॉकेट्स फायर हो सकते हैं। तो उसी के चलते ये काफी ही सक्षम है दुश्मनों को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद करने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनके बंकर्स को और उनके लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका जो शुरुआती वर्जन था उसमें गाइडेंस सिस्टम नहीं लगाई गई थी, लेकिन बाद में जो अपग्रेड किया गया जिसमें उसकी रेंज भी एनहांस की गई, उसमें साथ में गाइडेंस सिस्टम भी लगाया गया ताकि इसकी रेंज के साथ इसकी एक्यूरेसी को भी इंप्रूव किया जा सके। इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि जो पिना का मार्क वन है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर तक की है, और पिना का मार्क टू जो बनाया गया है उसकी रेंज तकरीबन 60-65 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। एक बार जब ये फायर हो जाता है तो ये जो पूरा सिस्टम है सिंगल सिस्टम वो तकरीबन 700x500 मीटर के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल है। साथ ही में इनका जो रिफिलिंग टाइम है, पॉज को जो रिप्लेस किया जाता है उसका जो टाइम बताया जा रहा है वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर का है। यानी कि एक बार फायर करने के बाद आप चाय पीकर आए और उतनी देर में ये सिस्टम फिर से फायर करने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं है बल्कि काफी आसानी से रिप्लेस और रिफिल भी किया जा सकता है ताकि इसको फिर से विद इन 15 मिनट्स बैटल रेडी किया जा सके। इसको चार अलग अलग मोड्स में चलाया जा सकता है जिसमें सबसे पहला है ऑटोनॉमस मोड जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है सिंगल फायर एंड कमांड सेंटर के थ्रू, जिसको FCCB शॉर्ट में कहते हैं। अब ये जो सिंगल FCC है उसके थ्रू 72 रॉकेट्स को यानी कि 6 अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है और एक साथ उन सभी को इन साल्वो यानी कि एट द सेम टाइम मल्टीपल रॉकेट्स को सिंगल कमांड के थ्रू फायर किया जा सकता है। दूसरा जो मोड है वो स्टैंड अलोन मोड है जिसमें सिंगल सिस्टम भी, अगर दूसरे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो स्टैंड अलोन सिस्टम में सिंगल सिस्टम भी फायर कर सकता है और उतनी ही एक्यूरेटली और उतनी ही क्षमता के साथ दुश्मन के ऊपर वार कर सकता है। तीसरा जो सिस्टम है वो रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम है जिसमें जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से 200 मीटर की दूरी तक से भी इन पूरे रॉकेट सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है और दूर से रिमोटली उनको कमांड दिए जा सकते हैं जिसके पश्चात वो दुश्मन की टेरिटरी पर तुरंत ही हमला कर देंगे। चौथा और आखिरी जो मोड है वो मैनुअल मोड है। ये बताया जा रहा है कि इन केस कभी किसी माइक्रोप्रोसेसर या किसी माइक्रोचिप में कुछ इश्यू आ जाए तो इंडिविजुअल सिस्टम को मैन्युअली भी ऑपरेट करके इन रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है और इनको काम में लिया जा सकता है। तो इसी तरह से हर एक सिनेरियो को कंसिडर करते हुए चार अलग अलग मोड्स दिए गए हैं इन पर्टिकुलर पिना का MBRS रॉकेट सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। फाइनली आता है इंडियंस का सबसे बड़ा सवाल, इसका कॉस्ट कितना होगा। तो इसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन जो अमेरिकन सिस्टम है सिमिलर उन सिस्टम से हाल की तारीख में 10 गुना कम है। तो इसी के चलते भारत बहुत ही कम रेंज में इसको खुद भी यूज कर सकता है और साथ ही में आर्मेनिया जैसी कंट्रीज को ऑलरेडी उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है। डिफेंस इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया में वो काफी ही बड़ी है। हर एक कंट्रीज में कॉन्स्टेंटली वेपन्स को अपग्रेड किया जाता है, मेंटेनेंस होता है और अलग अलग प्रकार के प्लान्स और अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज डेवलप होती हैं। तो उसी के चलते नए वेपन्स एक्वायर किए जाते हैं। अब सभी कंट्रीज केपेबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनके पास इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जो खुद ही डेवलप करते हैं, तो उनके पास से ये परचेज किए जाते हैं। और ये जो पिना का वेपन सिस्टम है वो वर्ल्ड के टॉप मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स में एक है जो US और रशिया को भी कॉम्पीट करने के लिए कैपेबल है। और फाइनली ये जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं उसको ऑलरेडी काम में लिया गया है। जैसे कि हमने बताया था 1991 में कारगिल वॉर के दौरान उस समय पिना का MBRS को यूज में लिया गया था और उसने बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम किया था। और साथ ही में आज की तारीख में इसको LOC और LAC दोनों जगहों पर लगाया जा रहा है और नए रेजिमेंट्स प्रोड्यूस करने की भी बात चल रही है।
तो ये भारतीय सेना के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एसेंशियल और बहुत ही इफेक्टिव वेपन है जिसको प्रोड्यूस किया गया है फिर से एक बार भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इस बारे में, भारत के वेपन सिस्टम्स के बारे में पता चल सके और वे लोग भी भारत पर, भारत की आर्मी पर और इंडियन डिफेंस डेवलपमेंट्स पर गर्व कर सके, अपने आप भारतीय होने पर गर्व कर सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।